कश्मीर मामले पर तुर्की को पाकिस्तान का समर्थन करना भारी पड़ गया है। भारत ने तुर्की को कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा को रद्द कर दिया है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति ने सितंबर में हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत के विपरीत में बयान दिया था। केवल इतना ही नहीं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पेरिस में हुई बैठक के दौरान भी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। सूत्रों के मुताबिक तुर्की द्वारा पाकिस्तान को बार बार समर्थन के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने यह कदम उठाया है और उन्होंने अपने दो दिवसीय दौरे को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि 27 और 28 अक्टूबर को सऊदी अरब में मेगा इन्वेस्टमेंट समिट के बाद पीएम मोदी की तुर्की यात्रा प्रस्तावित थी। तुर्की द्वारा बार बार भारत के विपरीत जाने से दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई है। हालांकि दोनों देशों के बीच कभी भी बेहतर संबंध नहीं रहे हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा संबंध सुधरने की उम्मीद थी, लेकिन भारत ने जिस प्रकार कदम उठाया है अब यह मुश्किल लग रहा है। इसी साल ओसाका में G20 से इतर पीएम मोदी और एर्दोगन की मुलाकात हुई थी। जुलाई 2018 में एर्दोगन भी दो दिन के दौरे पर भारत आए थे। भारत ने तुर्की के साथ संबंध सामान्य करने की निरंतर कोशिशें की है, परंतु तुर्की हर मंच पर भारत के विपरीत काम करता रहा है। बड़ी बात यह है कि सीरिया मुद्दे पर भारत ने तुर्की की निंदा करके उस पर काफी दबाव बना दिया है। यूरोप और अमेरिका, यहां तक कि चीन भी उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान लगातार उसका साथ दे रहा है। भारत और तुर्की के बीच इस वक्त व्यापार घटकर $2 अरब से भी नीचे आ गया है। बताया यह भी जाता है कि भारत ने तुर्की के मुकाबले आर्मेनिया जैसे उसके पड़ोसी देश से सहयोग बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे तुर्की की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि तुर्की और आर्मेनिया में संबंध बेहद जटिल है। भारत द्वारा आर्मेनिया से संबंध मजबूत करने से तुर्की फिक्रमंद भी है। तुर्की के अलावा मलेशिया ने भी भारत के विपरीत भूमिका निभाई थी। भारत के कारोबारियों ने उसे मजा चखाते हुए नवंबर माह की शिपमेंट कैंसिल कर दी। भारत मलेशिया से हर महीने 4 लाख टन ताड़ का तेल आयात करता है, जिसे अब इंडोनेशिया से खरीदा जा रहा है। मोदी ने अपनी तुर्की यात्रा रद्द करके साफ संदेश दिया है कि दोनों देशों में संबंध मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों को सकारात्मक पहल करनी जरूरी है। इसका ठेका केवल भारत के पास ही नहीं है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा है कि दौरा फाइनल नहीं हुआ था, इसलिए रद्द करने का सवाल ही नहीं उठता है। जबकि हकीकत यह है कि ओसाका में G20 समिट के बाद से ही इस दौरे को लेकर तैयारियां चल रही थी, लेकिन कश्मीर मुद्दे और FATF में तुर्की द्वारा चकमा देने के बाद से ही इस दौरे पर सवाल उठने लगे थे। तुर्की के लिए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद अहम था। इस समय तुर्की सीरिया में उलझा हुआ है और दुनिया उसके विपरीत जा रही है। ऐसे वक्त में दुनिया का बड़ा नेता तुर्की की यात्रा करता तो संभवतः वह उसे अपने पक्ष में भुना सकता था। साथ ही यहां से कोई उचित संदेश भी दुनिया को दिया जा सकता था। तुर्की का विदेश मंत्रालय भारत में स्थित अपने दूतावास के माध्यम से भारत से लगातार संपर्क में था। इस दौरे के लिए तुर्की ने तैयारियां भी शुरू कर दी थी, परंतु मोदी ने तुर्की को अचानक से उसी तरह झटका दिया है जैसे तुर्की ने कश्मीर मुद्दे और FATF की बैठक में पाकिस्तान का साथ देकर भारत को दिया था। मोदी की तुर्की यात्रा रद्द होने की बात दूर तक जाएगी, क्योंकि मोदी ने कभी इस तरह अपना विदेशी दौरा रद्द नहीं किया है। यह पहला मौका है जब उन्होंने अपना दौरा रद्द किया। वैसे तुर्की को इससे बढ़िया संदेश दूसरा कुछ हो भी नहीं सकता था। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।